हाय फ्रेंड्स, इट्स मनीष और निफ्टी की इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं मंथली चार्ट से हमेशा की तरह। आप फ्रेंड्स देखिए, ये एक ग्रीन कैंडल बनी थी ब्रेकआउट, इसको एनगल्फ किया सेकंड कैंडल ने और ये थर्ड कैंडल जो है दोबारा से बाउंस दे रही है। और हमने वीकली एनालिसिस में क्या डिस्कस किया था कि ये जो है ना एक डोजी बन सकती है। तो डोजी यानी कि 19800 तक भी इसके जाने का स्कोप है इस वीक, इस मंथ। ठीक है, अब वो जा पाएगी नहीं जा पाएगी वो तो हम आगे की एनालिसिस में देखेंगे, लेकिन बाउंस जरूर पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये गैप फिल नहीं किया फ्रेंड्स, गैप फिलिंग हुई नहीं है, यानी कि अभी भी वो ब्रेकआउट बिल्कुल वैलिड है। और ये जो एक राइजिंग ट्रेंड लाइन है, इस राइजिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर से ही घूमा है बाजार। ठीक है, ये जो पैरेलल चैनल जो बना हुआ है, इस चैनल के ऊपर ही है, चैनल के अंदर आया नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वीकली चार्ट पे क्या सिचुएशन बन रही है। वीकली चार्ट पे बन रही है कि नेक्स्ट लास्ट वीक के हाई के ऊपर जो कि 19460 था, उसके ऊपर बाजार ने आज फिलहाल क्लोजिंग भी दे दी है और एक अच्छा मूव दिया है। और 19600 का ये जो लेवल है, ये जो थर्ड वीक जो बनता है, इस वीक के ऊपर का जो रेजिस्टेंस है 19585 तक का। ठीक है, अब ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एज पर द वीकली चार्ट। इसके ऊपर निकल जाएगा तो होपफुली बाजार फिर रिसेंट हाई जो थे उनको जाके टेस्ट करेगा। और दूसरा, अभी इस बीच में वीकली चार्ट के ऊपर 19100 से 19740 के आसपास कोई ये अपना फिबोनाची रेजिस्टेंस भी नहीं है। ठीक है, अब हम लोग वीक, लेकिन मार्केट इस वक्त बुलिश लग रही है एज फार एज वीकली कैंडल इज कंसर्न, क्योंकि अभी प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर चल रही है। ठीक है, अब हम लोग डेली चार्ट पे मूव करते हैं तो थोड़ा सा हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दी है, तो बहुत ही अच्छी क्लोजिंग दी है। और जो हमने मंथली कैंडल में देखा, वीकली कैंडल में देखा कि 19585 अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनता है। राइट, क्यों? क्योंकि ये एक हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट भी हो जाएगा। अगर 19585 के ऊपर जाते हैं फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस केवल 19650 तक का आता है। तो 19585 से लेके ये जो 645 से 650 तक का एक ये जोन बन जाता है फ्रेंड। ये जोन जैसे ही क्लियर होगा, बाजार होपफुली ये जो 19860 है उसको जाके टेस्ट करेगा एज पर द डेली चार्ट। ठीक है, ये तो हो गए डेली चार्ट के हिसाब से लेवल। अब नोट कर लीजिए 19585 और 19650 तक का। अब हम लोग ओवरली चार्ट के ऊपर मूव करते हैं तो ओवरली चार्ट के ऊपर क्या बता रहा है कि 560 का ये जो लेवल है ये क्रॉस करता है तो फिर बाजार जो है 560 585 क्रॉस करता है तो 640-50 के आसपास जा सकता है, जो कि हमने अभी डेली चार्ट के ऊपर भी देखा कि 640 एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। हम दोबारा से इस पर चले जाते हैं, दोबारा से इसको कंफर्मेशन ले लेते हैं कि यस एग्जैक्टली 640 जाके जा सकता है। यानी कि अगर इस चार्ट को ना भी देखें तो इसके हिसाब से हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर बाजार इसके ऊपर निकलता है 560 के ऊपर तो वो 640 को डेफिनेटली जाके टेस्ट करेगा। ठीक है, अब बाजार 540 के ऊपर निकलता है, 560 मतलब 530-35 को अगर होल्ड करता है तो 560-65 को क्रॉस करेगा नहीं करेगा, वो सब हम लोग अब 15 मिनट चार्ट के जाके देखते हैं कि कल क्या पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये इंट्राडे की वीडियो बन रही है। ठीक है, और इंट्राडे की वीडियो में आप एक चीज और देख सकते हैं इंट्राडे के पैटर्न में, ये देखिए ये जबरदस्त डब्लू पैटर्न बना है इसने, ये जबरदस्त पैटर्न बन रहा है। ठीक है, और ये पैटर्न कहाँ पे जाके कंप्लीट होता है, ये पैटर्न कंप्लीट ही 19580-85 के आसपास होता है। तो मैं ओवरली चार्ट के आसपास जाता हूँ, दोबारा जाता हूँ। तो मैंने ये यहाँ पर क्यों लिखा था, मैंने इसलिए लिखा था कि 19580 के ऊपर ट्रेड करेगा तभी 19680 आएगा। तो 580 वेरी मच पॉसिबल, 565 तक का एक टारगेट था, 545 आई बनाया, होपफुली कल 565 टेस्ट कर लेगा, फिर 580 के ऊपर निकलेगा तब हमारा सेकंड ट्रेड एक्टिव हो जाएगा, स्विंग ट्रेड 19680 का। और वो 15 मिनट चार्ट पे भी इसका जस्टिफिकेशन मिलता है कि ये डब्लू पैटर्न बना रहा है, तो ये जो 19585 है ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। राइट, तो अब हम समझते हैं कि हमारे को कल किस तरीके से कारोबार करना है बाजार के अंदर। तो देखिए हमारा इमीडिएट सपोर्ट क्या हुआ, पहले 19510 का ये इमीडिएट सपोर्ट हुआ, फिर ये 490 तक का ये सेकंड सपोर्ट हुआ।
अब बाजार अगर कल यहीं पे आके बेस बना के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली ये 585 के इस लेवल पर जाके टेस्ट करेगा, उसके ऊपर निकल जाएगा तो फिर 680 तक का जो हमने लेवल डिस्कस किया यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगर बाजार इसको ब्रेक कर देता है और इसके ऊपर नहीं जा पाता है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ आता है? नेक्स्ट सपोर्ट आता है फ्रेंड्स 19,490 तक का, ठीक है। हो सकता है कि 490 से भी घूम जाए, अगर वो नहीं घूमता है देन फिर वो 19,440 से 450 तक के जोन को टेस्ट करेगा, 450 तक का ये टारगेट बन जाएगा, ठीक। अब देखिए क्या होता है, जब बुल ट्रेंड चल रहा है ना तो उस वक्त आपको नीचे के जो ट्रेड हैं बहुत छोटे छोटे मिलते हैं, बहुत छोटे छोटे, क्योंकि कई सारे सपोर्ट बनाते हुए बाजार ऊपर जाता है, ठीक है। फिर ये सपोर्ट आ गया, फिर इसके नीचे अब वीकनेस कहाँ आएगी? वीकनेस आएगी फ्रेंड्स 19,410 के नीचे, 19,400 के नीचे वीक हो जाएगा, तब हमें 50 पॉइंट का ट्रेड मिलेगा 350 तक का, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, जैसे जैसे नीचे जाएगा, आपने देखा 19,510 टूट गया, अच्छा 490 पे सपोर्ट ले सकता है, एकदम से टूटा ओहो अब तो 460-470 के करीब आ गया, 450 तो सपोर्ट ही है, ठीक है। फिर आप जाओगे ओके 440 सपोर्ट है, 410 सपोर्ट है, 10-20-30 पॉइंट पे सपोर्ट मिलेंगे, तो वहां पे शॉर्टिंग करना बड़ा मुश्किल होता है अनलेस एंटिल आपने एक देखा कि जी 510 के आसपास एक रिवर्सल कैंडल बनी है और इसके नीचे ही गैप डाउन हो गया है तो इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, वो रिस्की ट्रेड हो जाएगा, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड हो जाएगा, क्योंकि मार्केट ने एक बड़ा अच्छा पैटर्न बनाया है। जब ये डब्लू पैटर्न बनाया है, इस डब्लू पैटर्न को जाके यहाँ पे कंप्लीट करेगा 570-580, उसके बाद हो सकता है एक छोटा सा पुल बैक देके कप्पे कैंडल बना के ऊपर निकल जाए। तो इस तरीके का पैटर्न जब पॉसिबल है तो यहाँ पे शॉर्टिंग बहुत ज्यादा रिस्की हो जाती है, तो यहाँ पर हमें बाई डिप्स करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। 490 पे हम वॉच करेंगे, 510 के आसपास हम वॉच करेंगे, ये जोन अगर 510 से 490 टूट जाता है तो फिर हम देखेंगे कि भाई 450 के 440 से 450 के जोन में बाजार क्या कर रहा है, फिर वो भी टूट गया तो 410 पे क्या कर रहा है। अगर कोई बड़ा फॉल आई गया 410 तक आई गया तो फिर वहां पे एक्यूमुलेट कीजिए, ठीक है, एक्यूमुलेट कीजिए, वहां से ब्रेक डाउन होगा तो फिर 350 का आपको ट्रेड मिल जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा रिवर्सल सा पैटर्न बनना शुरू हो जाएगा, फिर वहां से सेल राइज भी स्टार्ट हो सकता है। लेकिन फिलहाल बाजार बहुत बुलिश ट्रेंड में है, लग नहीं रहा है कि इतना नीचे जाएगा, तो हम यहाँ पे बाय करने की कोशिश करेंगे। अच्छा अगर डायरेक्ट गैप अप ही हो गया और या फिर 510 को होल्ड ही कर लिया तो फिर ऊपर हमें ट्रेड कैसे करना है, तो देखिए 585 पहला ट्रेड बन टारगेट बनता है, ठीक है। यहां से नीचे जाके कहीं भी जाएगा तो हमारे को 585 के लिए ट्रेड लेना है। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट हो जाता है, ये डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाता है, देन फिर 680 तक का ट्रेड मिल जाएगा। अब देखिए डब्लू पैटर्न और ये कप एंड हैंडल जो है ना, या इनवर्स एच एंड एस, ये सारा कुछ कल भी ब्रेकआउट दे सकता है, क्यों? क्योंकि ये 15 मिनट का चार्ट है फ्रेंड्स, से ओवरली मंथली डेली चार्ट नहीं है, तो ये कल भी ब्रेकआउट दे सकता है, हो सकता है जोन में कंसोलिडेट करे और ऊपर ब्रेकआउट दे दे, तो 670-680 के आसपास आता है वहां, सॉरी 570-580 के आसपास डायरेक्ट गैप अप खुल जाता है, तो देखेगा कि 510-20 या 490 के आसपास होल्ड करे, फिर इसके ऊपर 585 को जैसे ही ब्रेक करेगा फिर फ्रेंड्स हमारे लिए टारगेट ओपन हो जाते हैं 19,680 तक के, ठीक है। पहला टारगेट 19,645, दूसरा टारगेट 19,680, तो ये पैटर्न भी बहुत अच्छा हो जाएगा और हमारे को अच्छा मूव मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। और ओवरली चार्ट पे जो हमने टारगेट सेट किया था वो सेट यही किया था कि 19,580 के ऊपर चलेगा तो 19,680 आ जाएगा, तो ये इससे मैच भी करता है, ठीक है। तो 15 मिनट ओवरली चार्ट, डेली वीकली सारे कंजक्शन में चल रहे हैं, सारे एक साथ मिलके चल रहे हैं, सब एक ही डायरेक्शन दिखा रहे हैं, सबके लेवल आसपास सेम ही आ रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमें अपनी जो एनालिसिस है उसके अंदर मजबूती मिलती है, हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको एनालिसिस समझ में आई होगी, एनालिसिस अच्छी लगी हो फ्रेंड, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे कि यूट्यूब इस वीडियो को आगे धक्का भी लगाए और मुझे मोटिवेशन भी मिले। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।